कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की शुरुआत हो गई है तैयारियां, आप भी हो जाइए तैयार। इस बार आप केबीसी ऑफिशियल ऐप और केबीसी वेबसाइट से भी भाग ले सकते हैं। जवाब देने के लिए आप फ्री केबीसी ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना मोबाइल नंबर, जवाब, उम्र और जेंडर चुनकर भेज दीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए एसएमएस कीजिए केबीसी ऐप 2525252525 पर, या आप www.kbcsony.com से भी रजिस्टर कर सकते हैं। शहंशाह हिंद, जलालुद्दीन मोहम्मद है। आपको ऐसे बातें करते देख ना तो हमें गुस्सा आ रहा है और ना ही हैरानी हो रही, क्योंकि इस वक्त आपका ऐसे बातें करना जायज है। मगर फिक्र मत करिए, हमारे साथ रहते रहते आप भी हमारी तरह मोहब्बत की जुबान बोलना सीख जाएंगे। हमने सब कुछ सोच लिया है, कैसा महल होगा, कैसा रुतबा होगा, मगर आपके लिए हम आगरा में मारवाड़ का नकली स्थान बनाए, और ये शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद का अरे घबराइए मत, हम दोनों सुकून से बैठकर बात क्यों नहीं करते? आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी, और जब तमाम जिंदगी साथ गुजारनी है तो एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है और लाजमी भी है। तुम जीवन भर की बात करते हो, हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते, और कुंवर प्रताप हमारे बहुत ही निकट है, और वे अवश्य हमें ढूंढ लेंगे, और फिर तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो पता है? तुम्हारा सर काट देंगे वे। हम भी पूरा इंतजाम करके आए हैं शहजादी फूलकवर, अगर आज सर किसी का कटना है तो वो सर किसका होगा ये तो हम ही तय करेंगे, अगर आप चाहें तो वो सर प्रताप का भी हो सकता है। क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकवर, कुछ भी, क्योंकि आपको हमारे साथ आगरा चलना है, और ये हर्फे आखिर है। नहीं, रुक जाओ, हम कहते आगे मत बढ़ना, देखो एक वक्त भी आगे मत बढ़ना, हम कहते वहीं रुक जाओ, रुको, हम कहते रुक जाओ, एक वक्त भी आगे मत बढ़ना, वहीं रुको, हम बोल रहे वहीं रुक जाओ। घबराइए मत,
शहजादी फूल कवर समझ में ही नहीं आ रहा कि अपनी मित्रता की मृत्यु का दुख मनाए या सही समय पर अपने जीवन के सबसे बड़े विश्वासघात का सामना करने का उत्सव मनाए। हमने कहा था ना कि हम कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते, मित्र बनाए नहीं जाते, नहीं जाते। मित्र और शत्रु तो हो जाते। हम या तो इन्हें निभा सकते हैं या मिटा सकते। निभाना तुम्हें आया और मिटाना विवशता हो गई है हमारी। तुम जान गए थे ना, है ना, कि हम प्रताप हैं। जान गए थे ना तुम? हाँ, हम जान गए थे कि तुम घोर प्रताप। और जिस दिन से जान गए हैं, कसम से कहते हैं, एक एक लम्हा ऐसे गुजरा है जैसे कयामत की रात। और बहुत मुश्किल के बाद हमने ये तय किया है कि तुम वक्त हमारे दुश्मन हो, जिसे हम मिटाकर ही दम लेंगे। और जिस क्षण हमें पता चला कि तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, सारी दुविधा मित्रता के साथ ही समाप्त हो और बच गया एक घुसपैठी जिसके मन में ना तो सीमाओं के लिए सम्मान है और ना ही संबंधों के लिए। जब हम दोस्त बनकर मिले थे तब एक खेल खेला था हमने, जो उस वक्त अधूरा रह गया था। चलो अब जब दुश्मन बनकर मिले हैं तो उस खेल को भी पूरा कर लेते हैं। बोला था ये खेल पूरा करेंगे। आओ आज उस खेल को समाप्त ही कर जरूर। Oh.
खामोश। कह दीजिए कुंवर प्रताप से कि वो अपने हथियार डाल दे। बाप का क्या करे, मार दे या छोड़ दे। गौहर जान प्रताप, आपने उस औरत पर भरोसा कर जो हमारी जासूस। ये सच है कि मैं शहंशाह के लिए काम करती हूँ, जिसने बिजौलिया में आपको मारने के लिए एक के बाद एक लगातार कोशिश और इसी की बदौलत आज आप यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे कुंवर प्रताप, क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच गई है। गुर खान, हम जलाल के पास जा रहे हैं। तुम आसपास का सारा इलाका घेर लो, समझ गए? जी हुजूर। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमारे साथ कायरों की भांति खेल खेलते रहे और हमें इसका कुछ भी पता नहीं चला? हमें तो सब कुछ उसी समय पता चल गया था जिस समय इन्होंने प्राणघाती हमला किया था। ये सब जानकर भी तुम तक पहुंचने के लिए हमने ये सब कुछ होने दिया ताकि हम जान सके इस खेल के पीछे कौन है। आपको पता था? संदेह तो आरंभ से ही था, पर विश्वास सांप के काटने के बाद हुआ। हमने वो जानी पहचानी ध्वनियां सुन ली थी जो हमने उस समय सुनी थी जब तुमने पार किया था। और वही जानी पहचानी ध्वनियां हमने हार्ट भी सुनी थी। और हम ये भी जान गए कि तुम इसलिए विलंब से आई थी क्योंकि तुम किसी को संदेश भेज रही थी और तुमने हमें जानबूझकर उस स्थान पर रुकने के लिए कहा जहां हमारे लिए जाल बिछा रखा था तुम्हारे इस धूर्त मालिक। क्या हम विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल सकते हैं? जब तुम जान गए थे तो फिर तुमने इसे मारा क्यों नहीं? अपनी अजीम राजपूती मर्यादा की वजह से? हाँ, एक और कारण ये भी कि हमें पता था कि ये अकेली नहीं, कोई और भी है जो इनसे ये सब करवा रहा है, जो बहुत ही शक्तिशाली हो सके। हमें तो उस तक पहुंचना, तो इन्हें मारकर क्या मिल जाता है? इन्हें जीवित रखा तभी तो तुम तक पहुंचे और वो भी पूरी तैयारी के साथ। हमारे मित्र चित्तौड़ से हमारी सेना भिजवा रहे। आपके मित्र नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं वो लोग? वो लोग नहीं रुके, चले गए। इसलिए घबराओ मत, यहां कोई अकेला नहीं।
शहनशाह खत्म कर दीजिए इसे, क्योंकि हमारी पहुंच किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है और इसकी सेना पहुंचने से पहले हमारी पहुंच आएगी। हम प्रताप से लड़ते हैं, हमें सिर्फ फूल कवर चाहिए। करोगे तो इस मिट्टी में धूमी हो जाओगे, कुछ इस तरह। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों को ये बात समझ आ गई कि अब कोई फायदा नहीं है। लाल भाई जी, हम अभी भी आपको बचा सकते हैं। आपसे जिंदगी की भीख मांगकर मैं शहनशाह को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी।
तो वो हासिल करके रहेंगे। आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे शहंशाह राजकुमारी प्रताप। मेरी बात याद रखिएगा आप। हर सांस भीख में दी है। पर लगता है आत्मसम्मान और आत्मगौरव का तुम मुगलों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं। हम ठीक है खान बाबा, पर उस प्रताप को और छोड़िएगा नहीं। नहीं छोड़ेंगे जलाल, नहीं छोड़ेंगे। बाबा
आप उनसे लड़िए, तब तक मैं प्रताप को संभालता हूँ। ठीक है जलाल। आजा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जलाल, छोड़ दीजिए हमें खान बाबा। नहीं जलाल, जलाल, जलाल चलो यहाँ से। रावण, जाने दीजिए इन्हें बाजीराज। रावण जी, हमें छोड़िए। नहीं बाजीराज, जाने दीजिए इन्हें। ये लोग भाग रहे हैं और इस समय इन्हें रोकना है, व्यर्थ में संकट मोल लेना है। और बाजीराज, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही राजपुताने के ऐसे कई राजा हैं जिन्होंने इस जलालुद्दीन मोहम्मद को शहंशाह स्वीकार कर लिया है, और ये लोग उन्हीं के राज्यों में जाकर छिपेंगे अभी। जी बाजीराज, हमारी बात समझने का प्रयत्न कीजिए, संयम रखिए। क्षमा कीजिए रावण जी, हमारे व्यवहार के लिए। रावत जी, आप और मेवाड़ की सेना यहाँ है, इस बात का भान है दाजीराज को? नहीं बाजीराज, राणा जी तो समारोह की तैयारियों में व्यस्त है। कैसा समारोह? कैसी तैयारी? बाजीराज, आपके स्वागत की तैयारियां। जयंता भाई जी, कभी आपने सोचा था कि चित्तौड़ में कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जब एक ही छत के नीचे राजपुताने के सभी राज परिवार एक साथ परस्पर स्नेह और आनंद के साथ इकट्ठे होंगे? हमारे प्रताप का तो आरंभ से ही यही सपना रहा है कि राजपुताने के सभी राज्य एक सूत्र में आए और मिलकर एक ऐसे विशाल अजय शक्ति बने जिसकी ओर कोई शत्रु आग तक उठाने का साहस न कर पाए। आज इन सबको आनंद से एकत्रित देखकर ऐसा लग रहा है कि गौरी पूजा के निमित्त ही सही हमारे प्रताप का वो सपना सच होने वाला है। ठीक कहा आपने जयंता भाई जी, हम देख कर आते हैं कि हमारे कुंवर प्रताप और बाकी समस्त अतिथियों के स्वागत की तैयारियां ठीक से चल रही हैं या नहीं। जी राणा।
इन्हें दिखलाई है रंगों का है संग खुशियां झूमे अंग अंग सतरंगी सरगम जो छाई है आ अवसर स्वागत का हर्षित हर मेवाड़ी अवसर स्वागत का हर्षित हर मेवाड़ी उड़ती हर रंच नदिया इतने अच्छे अच्छे कुल के इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों को देख हमारा मन तो गर्वान्वित हो गया राणा जी। पता नहीं इनमें से कौन होगी हमारे कुंवर प्रताप की वधु। हमसे तो नहीं होगा चुनाव। जयंता भाई जी एक बार कुंवर प्रताप को आने दीजिए। वो आएंगे तो हर प्रकार के असमंजस और दुविधा को मिटाकर सर्वश्रेष्ठ को अपने आप चुन लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का चित्तौड़ में बहुत स्वागत है। आप सभी का गौरी पूजा में भी बहुत बहुत स्वागत है। कल गौरी स्थापना है और कुंवर प्रताप के आते ही गौरी पूजा के विधिवत संस्कार आरंभ होंगे। तब तक आप सभी चित्तौड़ के किले में हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। खम्मागणी अकुम आपके लिए अति आवश्यक सूचनाएं। जवंत भाई जी हम अभी आते हैं। चलिए रानी माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और के महल में आ गए। ये इतनी सारी कन्याएं यहाँ क्या कर रही है? वो घनघोर है ना, इसलिए गौरी पूजा के लिए
सब अपनी माँ के साथ आई है। रानी माँ, आप असत्य कह रहे हैं क्या? आपने अभी अभी अपने हाथों को मला, और आप ऐसा केवल उसी समय करती है जब आप असत्य कहने का प्रयास करती है, है ना? सब छोड़िए ना, उन दो सुंदरियों से हमारा परिचय तो करवाइए। भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। आप अजबते हैं, है ना हंसा की बेटी? कितना सुना है आपके बारे में, मिलने का अवसर आज मिला। रानी माँ, ये है फूल कवर। कवर अर्थात मारवाड़ की राजकुमारी। और मारवाड़ की राजकुमारी को आपने यहां पर नहीं बुलाना चाहते थे, फिर किसके आदेश से आपने उन्हें न्योता भिजवाया? हम राव मालदेव को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही घमंडी किस्म के राजा हैं, तो फिर किसके अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, उत्तर दीजिए, किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमने दी थी अनुमति। क्योंकि हमने सुना था कि मारवाड़ की राजकुमारी को चित्तौड़ में आना और उत्सव मनाना अच्छा लगेगा। ये आपने अच्छा नहीं किया जवंता भाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बन सकते। क्षमा चाहते हैं राणा जी। वो तो अच्छा हुआ कि मारवाड़ ने हमारा न्योता ठुकरा दिया। अगर मारवाड़ की राजकुमारी हमारे महल में अपने पग रखती तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। इसलिए अपने क्रोध के लिए आप दोनों से क्षमा मांगते। कौन हैं आप दोनों? ये अजबदे हैं, आपके मित्र राव मामरक और हमारे बचपन की सहेली हंसा की बेटी। और आप कौन हैं? ताजीराज कुंवर प्रताप। राज
करना सीख रहे हैं हमारी पहचान छुपाने में, हमारी सहायता की जन। हमने राजनीति तनावादी सोचा ही नहीं था। वो तो कुंवर प्रताप आ रहे थे, इसलिए हम भी आ गए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे राणा जी को, किंतु ये सच हम राणा जी से कब तक छुपा पाएंगे हम नहीं जानते। ऊपर से आपके बड़े दाता राव मालदेव ने हमारा न्योता ठुकरा कर स्थितियों में और तनाव डाल दिया है। वैसे कुंवर प्रताप राणा जी को जब तक व्यस्त रखते हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने समय बाद आपको देखा है, जी भर कर देख लेने दीजिए। दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। या तो किसी संकट में उलझने की बात होगी, या फिर किसी संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की बात। लेकिन इस समय हम आपके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके दाजीराज। जब से आप मीरा माँ को लाने गए थे, ऐसा लग रहा है कई युग बीत गए, और अब भी देखिए आप राजकाज से जुड़ी बातें कर रहे हैं। मीरा माँ, रानी माँ, दाजीराज, क्या आप मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति को राज मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा? बिल्कुल करवा, पूरे मान सम्मान और धर्म विधान से प्रतिष्ठापित किया है। मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति? हम अभी दर्शन करके आते हैं। प्रताप, अजब देखो भी साथ लेकर जाइए, ये भी कर लेंगे आपके साथ दर्शन। हम बाद में चले जाएंगे। आइए हम साथ साथ दर्शन कर लेते हैं। रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया।